हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में बच्चों मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन रिपीटेड फैक्टर्स के जो कॉन्स्टेंट होते थे पार्शियल फ्रैक्शन में जो आते थे वो कैसे निकाले जाते हैं उसका शॉर्टकट बताया था। आज बच्चों ये क्वेश्चन और है, आज इसका एक तरीका और मैं बताऊंगा इसको आप इजीली और सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं। और ये बच्चों क्वेश्चन है आपकी डिग्री ऊपर 2 है, नीचे डिग्री 3 है, तो इसको आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन सीधी लगा सकते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा आप सोचो कि ये कैसे लगेगा, a upon x plus 1 b upon x plus 1 का whole square plus c upon x plus 1 का whole square। अब बच्चों c की वैल्यू तो आ जाएगी और x plus 1 का हथियार हम यूज कर चुके हैं। अब b की वैल्यू, a की वैल्यू निकालना बड़ा दिक्कत होगा और b और a के लिए आपको b को 0 रखना पड़ेगा या इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से करना पड़ेगा। और बच्चे कहते हैं सर इसमें हमें टाइम लगेगा। तो आज बच्चों मैं एक तरीका आपको एक ऐसा सिखाने जा रहा हूँ जिससे ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल और बड़े आराम से बन जाया करेगा। और वो तरीका थोड़ा सा दिल थाम के बैठो, आपको बहुत मजा भी आने वाला है, बिल्कुल आनंद आने वाला है कि आपको क्या करना है बच्चों, क्या करेंगे उसके अंदर। अब बच्चों ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, ये आपका जो रिपीटेड रूट्स है पावर वाला, आपने इसको थोड़ी देर के लिए एक्स प्लस वन को क्या मान लेना है, के मान लेना है। क्या मान लेना बच्चों, के। तो एक्स की वैल्यू बच्चों आप लोगों के पास क्या आ गई, के माइनस वन आ गई। और k माइनस वन बाकी न्यूमरेटर वाले वैल्यूज में आपने रख देना है, 5 इंटू के माइनस वन प्लस वन और नीचे बच्चों आपका क्या है, k क्यूब। तो क्वेश्चन आपका सिंपल बड़ा इजीली बड़े आराम से हो जाएगा। देखो अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये बच्चों इसको खोला मैंने, k स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के प्लस 5 के माइनस 5 प्लस 1 अपॉन k क्यूब। तो अब आप देखो बच्चों ये हमारा आ चुका है, दूसरा पहले ले लेता हूँ मैं। तो ये बताओ ऑप्शन, एक तो k स्क्वायर आ गया बच्चों, लाइक ऑप्शन इकट्ठे कर रहे हैं, 5k में से 2k किया तो ये कितना आ गया बच्चों, 3k आ गया। और 1 प्लस 2 ये कितना आ गया, माइनस 3 अपॉन k क्यूब। अब ये बच्चों क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सिंपल और ईजी बन चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यू रखनी है k की और आप वो आंसर निकाल सकते हैं। अब बच्चों ये आ गया k स्क्वायर अपॉन k क्यूब, इसको अलग कर लिया, 3k अपॉन k क्यूब माइनस 3 अपॉन k क्यूब। अब बच्चों ये 1 अपॉन k आ चुका है, ये आपका k के कट गया, 3 अपॉन k स्क्वायर आ चुका है माइनस 3 अपॉन k क्यूब आ चुका है। और k क्या रखा था बच्चों आपने, x प्लस 1। तो ये बच्चों आपकी वैल्यू अपने आप आ चुकी है, 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन आपका x प्लस 1 का होल क्यूब। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, इस सिंपल वे से आपने a की वैल्यू जो है बच्चों 1 निकाल ली है, b की वैल्यू बच्चों 3 निकाल ली है और c की वैल्यू क्या निकाल ली है, माइनस 3। और अब आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है और इंटीग्रेट करने के लिए आपको मालूम है ये क्या होगा, log ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 इंटू x प्लस 1 टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 3। तो दिस इज अ वेरी इजीएस्ट एंड सिंपल वे जिसको आप देख रहे हैं बच्चों। आपने जस्ट क्या करना है, यदि आप पुराने वाले शॉर्टकट से जाएंगे, यदि आपका पास जो ट्रेडिशनल मेथड है कन्वेंशनल मेथड है उससे जाएंगे उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। तो अब मैंने एक तरीका सिखाया जिसे आप बोर्ड में भी कर सकते हैं बड़े आराम से, कि जो हाईएस्ट a की फैक्टर्स होना चाहिए रिपीटेड वाला उसको आप k रख दो, p रख दो, q रख दो, कुछ भी रख दो और x की वैल्यू वहां से निकाल दी और उसके बाद ये आपके कट कटा के वैल्यूज आ जाएंगे। उसके बाद इसे आप सेपरेट कर देंगे और k की वैल्यू द्वारा रिप्लेस कर देंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या हुआ आपको मिल जाएगा और इसको आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आपने मुझे बताना है, कमेंट करना है। और इस तरह की कैसी और वीडियोस चाहते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी हैं शॉर्टकट्स में जो आपका क्वाड्रेटिक है सब कुछ है वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।